डीआरडीओ एक बड़ा धमाका करने वाला है। 11 से 16 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण होने वाला है। खबर है कि बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ बड़ी तबाही भारत के डीआरडीओ के द्वारा मचाई जा सकती है और इसके साथ ही भारत की शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। खबर है कि इस टेस्टिंग में 3 मिसाइलों में से किसी एक या दो या फिर तीनों का परीक्षण हो सकता है। और जानते हैं ये मिसाइलें कौन सी हैं? ये मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनका नाम सुनकर ही पाकिस्तान चीन थर थर कांपने लगता है। इनका नाम है अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4। जी हां, इन विध्वंसक मिसाइलों का परीक्षण करने की तैयारी बताई जा रही है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, हालांकि पारंपरिक और थर्मोबेरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV भी लैस है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5 हजार किलोमीटर है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3 से 5 हजार किलोमीटर की रेंज यानी कि चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद में बड़ी आसानी से। अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी कि 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की मानी जाती है। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल कहते हैं। यह मिसाइल आसमान से अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी दुश्मन के सैटेलाइट को मारने की क्षमता भी इसमें है अगर सैटेलाइट को टारगेट बनाया जाए तो। वही बात करें अग्नि 4 की तो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका वजन महज 17,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार लग सकते हैं जिसमें पारंपरिक, थर्मोबेरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल है। ये भी बहुत बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। वहीं भारतीय नौसेना भी आजकल खुद को बड़ी सशक्त कर रही है, इसलिए सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के परीक्षण पर वहां जोर है। इन मिसाइलों की फैमिली में एक नाम है के फैमिली ऑफ मिसाइल्स। यहां पर के का मतलब कलाम साहब से है। इन मिसाइलों को इसलिए विकसित किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत दुश्मन पर सेकेंड स्ट्राइक कर सके। के मिसाइल को उनकी जमीनी वर्जन यानी अग्नि मिसाइल से हल्की, तेज और ज्यादा घातक माना जाता है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम तो है ही। इसमें 2 तरह की मिसाइलें हैं। K-15 ये साल 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वहीं दूसरा है K-4 जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 17 टन है, 12 मीटर लंबी है। मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है। ये बीच रास्ते में ही अपने दिशा को बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसकी गति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास है भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।